हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शीतल कावा और आप देख रहे हैं सिने स्पिक्स चैनल। जैसे कि बिग बॉस 15 में आप देख सकते हैं कि उमर रियाज और प्रतीक सहजपाल के बीच में बहुत ही अनबन चल रही है, जो मारपीट के द्वारा मारपीट भी आ चुकी है, जहां पर उमर रियाज जो है वो प्रतीक के साथ फाइट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बिग बॉस 15 के हाउस में हिंसा करना अलाउ नहीं किया गया है। ये बात जानकर भी उमर रियाज जो है नहीं रुक रहा है, वो फिर भी प्रतीक के साथ फाइट कर रहा है। ऐसे में ट्विटर पर प्रतीक के जो जितने भी फैंस हैं, उन्होंने एक हैशटैग ट्रेंड कर दिया है और वो जो हैशटैग है वो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो वो हैशटैग क्या है और क्या कुछ होने वाला है? क्या उमर रियाज को बिग बॉस 15 में से लाइक बिग बॉस के घर से बेघर कर देंगे? क्या है पूरी खबर वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। तो जो हैशटैग है वो फैल रहा है कि हैशटैग जस्टिस फॉर प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, ये जो हैशटैग है वो काफ़ी फैल रहा है, जो जितने भी सारे फैंस हैं वो सारे ही लोग इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो जो क्लिप्स होती है उमर और प्रतीक के बीच की जो फाइटिंग है, वो क्लिप्स को डाल रहे हैं और उसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं जस्टिस फॉर प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि उमर रियाज ने करीबन 100 times जो है ये चीज़ कर दी है, वॉर्न करने के बाद भी 100 बार उमर रियाज को वॉर्न कर दिया था कि फाइट करना अलाउ नहीं है। फिर भी जो प्रतीक है वो रुकने का फिर भी जो उमर जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उमर को 100 बार वॉर्न कर दिया था फिर भी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्यों फिर भी जो है बिग बॉस 15 के हाउस के अंदर उमर रियाज को रखा गया है, क्योंकि वो असीम रियाज का भाई है। असीम रियाज तो आपको पता ही होगा, वो बहुत ही पॉपुलर कलाकार है। तो उस वजह से उमर रियाज को असीम रियाज की वजह से उमर रियाज को जो है बिग बॉस 15 के अंदर रखा हुआ है। ऐसा मैं आपको बता दूंगी कि वोट ने उमर रियाज की जो पूरी जर्नी थी बिग बॉस 15 के अंदर, वो पूरे 2 मिनट के क्लिप के अंदर उन्होंने उमर रियाज की बिग बॉस 15 की पूरी जर्नी दिखाई है वोट के अंदर। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जर्नी तभी दिखाते हैं जब किसी एक कंटेस्टेंट को हम घर से बेघर कर दें। तो क्या ये क्लिप यही इसका हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्लिप इसीलिए उन्होंने डाली है ताकि उमर रियाज का जो है वो आखिरी अभी दिन बचा हुआ है, अभी वो जाने वाला है। तो क्या है और आगे क्या होने वाला है? क्या सही में निकलने वाले हैं उमर रियाज घर से बेघर होने वाले हैं? वो हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए हमारी चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आखिर आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।